हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। दोस्तों, कुछ तानाशाही प्रवृत्ति के देशों के कारण आज पूरी दुनिया में भुखमरी, गरीबी, महंगाई और बेरोजगारी जैसी समस्या तेजी से बढ़ रही है। कई देश जो इकोनॉमिकली उतने मजबूत नहीं हैं, उनकी अर्थव्यवस्था कोलैप्स करने के कगार पर खड़ी है। अभी एक तरफ रूस यूक्रेन का संकट खत्म नहीं हुआ है और इधर एक और तानाशाह देश चीन अपनी दादागिरी दिखाने से बाज नहीं आ रहा है। दरअसल नैन्सी पेलोसी, जो कि एक अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी की राजनीतिज्ञ हैं और अमेरिका की राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के बाद तीसरी सबसे बड़ी नेता हैं, इनकी हाल ही में ताइवान दौरे की घोषणा हुई थी, जिसके बाद से ही चीन ने इनके ताइवान दौरे पर अमेरिका को धमकाते हुए कहा था कि अगर नैन्सी पेलोसी ताइवान जाती हैं तो उनका विमान चीनी लड़ाकू जहाजों द्वारा हवा में ही मार गिराया जाएगा, जिसके बाद से ही पूरी दुनिया में युद्ध की आशंका से माहौल गर्म था। चीन ने अमेरिका से साफ कहा कि अमेरिका चीन संबंध तभी तक हैं जब तक अमेरिका वन चाइना पॉलिसी की रिस्पेक्ट करता है। ऐसे में दोस्तों, चीन की इस धमकी के बाद अमेरिका के वर्चस्व को खुली चुनौती थी। दरअसल दोस्तों, चीन ताइवान को अपना ही क्षेत्र मानता है, जबकि ताइवान अपने आप को स्वतंत्र देश मानता है। ऐसे में भारत, अमेरिका समेत दुनिया के तमाम बड़े देश वन चाइना पॉलिसी को ही मानते हैं, लेकिन दुनिया में कोविड-19 महामारी फैलने और रूस यूक्रेन के आक्रमण के पश्चात इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव देखने को मिला है और दुनिया के कई देश ताइवान से अपने संबंधों को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन यही बात चीन को रास नहीं आ रही थी, जिसके बाद से ही उसने ताइवान पर गीदड़ भभकी देनी तेज कर दी। हालांकि दोस्तों, चीन की अमेरिका को दी गई यह धमकी अमेरिका के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई थी और जिसके बाद अमेरिका ने चीनी धमकी को दरकिनार करते हुए यूएस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान जा पहुंची हैं। नैन्सी के इस दौरे पर दुनिया की नज़रें गड़ी हुई थी, वहीं चीन इससे बौखला गया है। चीन में युद्ध जैसे हालात बन गए हैं, ताइवान से सटी हुई सीमा पर चीन ने युद्धाभ्यास भी शुरू कर दिया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका एक जुआ खेल रहा है और जो गंभीर परिणाम होंगे उसकी जिम्मेदारी स्वयं अमेरिका की होगी, यानी एक तरह से उसकी खुली धमकी ताइवान पर आक्रमण करने की थी। बहरहाल, अमेरिका ने नैन्सी पेलोसी के दौरे को न रद्द करके चीन को ये बात सख्त संदेश में समझा दिया है कि वह अब भी सुपर पावर है। ऐसे में दोस्तों, आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि मान लो चीन अपने कहे के मुताबिक पेलोसी के विमान पर कोई हमला कर देता तो उसके लिए अमेरिका की क्या तैयारियां थी। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अमेरिका ने नैन्सी पेलोसी के दौरे से पहले दुनिया के खतरनाक फाइटर जेट में शामिल F-30 और F-16 के कई बेड़े को ताइवान की सीमा के पास अटैक मोड पर तैनात किए हुए था और अन्य अमेरिकी सैन्य दस्ता भी अलर्ट मोड पर था। वहीं ताइवान की सेना भी हाई अलर्ट पर थी, उसने भी अपनी सेना और टैंकों को चीनी सीमा के करीब तैनात कर दिया था। ऐसे में चीन की धमकी सिर्फ गीदड़ भभकी ही निकली। नैन्सी पेलोसी ताइवान में सुरक्षित लैंडिंग कर चुकी हैं। हालांकि अब चीन अपने बचाव में यह कहना शुरू कर दिया है कि उसकी अमेरिका की बात हो गई थी, यानी उसने नैन्सी पेलोसी के दौरे को एक्सेप्टेंस दे दी थी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। हालांकि चीन दुनिया को दिखाने के लिए उसके यहाँ युद्ध के लिए अलर्ट का सायरन बज रहा है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि अब चीन अमेरिका के इस डिसीजन पर क्या निर्णय लेता है। ऐसे में दोस्तों, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है? क्या चीन अमेरिका जैसी सुपर पावर को टक्कर दे पाएगा या नहीं? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।